का मौका मिले कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकालकर जाएंगे। और मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर के हम जी रहे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर के जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था, मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं, एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वट वृक्ष बन चुकी है। ऐसे में दीनदयाल जी की ये प्रतिमा हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। ये प्रतिमा राष्ट्र प्रथम की प्राण, उस प्रण की प्रतीक बनेगी। ये प्रतिमा दीनदयाल जी द्वारा दिए गए एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा बनेगी। ये प्रतिमा हमें हमारे अंत्योदय के संकल्प की याद बार बार दिलाती रहेगी।